नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एनी डिस्क से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ते हैं या फिर कंप्यूटर को मोबाइल से जोड़ते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों। जो माउस का जो ये क्रसर है दोस्तों, ये जो एरो है, तीर है, ये हिलता हुआ प्रतीत नहीं होता, ये वर्क नहीं करता है दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल में। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दोस्तों, ये एक आप छोटी सी सेटिंग से इसे सही कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आज तक जितने भी यूट्यूब पर वीडियो है उन वीडियो में किसी ने तरीके से नहीं बताया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको मिस मत करना है, पूरा देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कनेक्ट करना तो आता होगा, ये नंबर है जो आप दूसरे अपने कंप्यूटर या मोबाइल में टाइप कर लीजिए एनडिस के। तो मैं ये टाइप कर लेता हूं और मोबाइल से इसे कनेक्ट कर लेता हूं और आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से प्रॉब्लम आती है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, मैं कनेक्ट कर लेता हूं अपने मोबाइल में, ये नंबर टाइप कर देता हूं। दोस्तों ये नंबर जैसे ही आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में टाइप करके कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ से परमिशन मांगी जाएगी, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा जिसे आप कनेक्ट करना चाह रहे हो। तो अभी देखिए ये कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए जिस फोन से मैंने कनेक्ट किया उसका नाम भी आ रहा है, रेडमी नोट 8 प्रो यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा होगा आपको। तो दोस्तों, इस कंप्यूटर को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया। अब दोस्तों, ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो मोबाइल में दिखाई देगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन में ले चलता हूँ, आपको बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपको उसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है। तो दोस्तों, देख सकते हो मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं, मोबाइल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है दोस्तों ये। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है फुल स्क्रीन पे करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है और फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो आपको ये मोबाइल में ये कंप्यूटर फुल स्क्रीन में दिखाई देगा इस तरह से। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए जो तीर का निशान है वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। ये देखिए जैसे मैं सेटिंग पे आ जाता हूँ तो जो कंप्यूटर में तीर का निशान आसानी से वर्क कर रहा है, लेकिन जो मोबाइल में मुझे यहाँ पे ये तीर का निशान रुका हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों मैं कंप्यूटर में कोई भी काम करूँ तो वो हो सकता है, लेकिन जो ये मोबाइल में मुझे स्क्रीन दिखाई दे रही है कंप्यूटर की, उसमें ये तीर का निशान काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, शो रिमोट कर्सर और फॉलो रिमोट कर्सर, इन दोनों पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे टिक मार्क कर देना है दोनों पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है और उसके बाद आपको आपके माउस को हिला के देखना है और ये परफेक्ट वर्क करेगा दोस्तों। अब दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर में कोई भी काम करेंगे तो वो आपको मोबाइल स्क्रीन में आसानी से दिखाई देगा और ये जो माउस का क्रसर है वो भी आपको आसानी से दिखाई देगा हिलता हुआ और वर्क करता हुआ, आसानी से आप वर्क कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक क्रसर और दिखाई दे रहा होगा आपको। तो दोस्तों, ये मोबाइल के लिए है। जैसे दोस्तों आप मोबाइल की टच स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो ये भी हिलने लगेगा। तो दोस्तों, इसकी मदद से आप मोबाइल से कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो, अपनी टच स्क्रीन से अपने कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो, कोई भी काम अपने मोबाइल से आप कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद ये जो माउस का आइकन दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, वो जो दूसरा कर्सर था वो हट जाएगा, जो दूसरा वाला जो तीर का निशान था वो हट जाएगा और जो सिंगल है वो यहाँ पर रहेगा जो कंप्यूटर का है दोस्तों। तो दोस्तों, देख सकते हो ये मेरी मोबाइल स्क्रीन है, ऊपर आपको रेंज बैटरी वगैरह दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं है। बाकी आप जब यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप आसानी से इस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से एक छोटी सी सेटिंग की मदद से। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनी डिस्क की जो ये माउस की प्रॉब्लम है दोस्तों, ये आपको सोल्व कैसे करनी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपकी जरूर मदद करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।